नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस शुभ मुहूर्त में होगी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा। काल रात्रि कहलाती है आज की रात। बिहार के सोनपुर में अयोध्या का नजारा। नीतीश तेजस्वी ने दी दिवाली की बधाई। हार्दिक और कोहली की जोड़ी ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस शुभ मुहूर्त में होगी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा। दीपावली को देश भर में खुशी के साथ मनाया जाता है। वहीं इस साल दिवाली आज यानी 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कोविड की वजह से पूरे 2 साल बाद लोगों में इतनी खुशी के साथ बिना कोई पाबंदी के दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। पिछले 2 दिनों से दिवाली की धूम देश के साथ साथ प्रदेश के हर कोने में दिखाई दे रही है। दिवाली की खूबसूरत तस्वीरें जगह जगह से देखने को मिल रही हैं। वहीं आज पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज दिवाली की शाम को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाएगी। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से रात 8:16 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा की कुल अवधि 1:23 की है। नीतीश तेजस्वी ने दी दिवाली की बधाई। दिवाली के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बधाई दी। सीएम नीतीश ने ट्विटर से बधाई देते हुए लिखा कि प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह अंधेरे से उजाले का संकल्प एवं प्रकाश का महापर्व है। दीपावली को पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। वहीं तेजस्वी यादव ने लिखा कि आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में यश, वैभव, सुख, शांति और खुशियों का सतरंगा प्रकाश लेकर आए तथा आपका घर सफलता की किरणों से सदा जगमगाता रहे। प्रेम, प्रार्थना, दुआ और का दौर चलता रहे एवं इंसानियत, बंधुत्व और मानवता का अखंड दीप सदा जलता रहे। बिहार के मुख्य सचिव के साथ साइबर फ्रॉड। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी अकाउंट से साइबर अपराधियों ने पैसे उड़ा लिए। बता दें कि यह घटना बीते दिन रविवार की है। मिली जानकारी के अनुसार आमिर सुबहानी के खाते में 90,000 रुपये की धोखाधड़ी की जा रही थी। उन्होंने सही समय पर EOU को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उन जालसाज लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया। बताते चले कि साइबर अपराधियों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। काल रात्रि कहलाती है आज की रात। वर्ष में 3 महत्वपूर्ण रातें मानी गई हैं, मोहरात्रि, महारात्रि एवं काल रात्रि। काल रात्रि यानी दीपावली की रात, इसमें शिव की संहारिणी शक्ति आद्या काली की उत्पत्ति मानी गई है। इस अवसर पर काली की उपासना सभी लोग जात पात से ऊपर उठकर करते हैं। बता दें कि पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को काली की उत्पत्ति थी, अतः इस उपलक्ष्य में आधी रात में पूजा करनी चाहिए। बताते चले कि आज की रात्रि काली पूजा का योग है। यह पूजा रात ही होती है और सूर्योदय से पहले विसर्जन मूर्ति विसर्जित कर देने का विधान है। रात्रि में चक्र पूजा जो आवरण पूजा है, उसमें देवी के चारों ओर यंत्र पर अवस्थित योगिनियों की पूजा अंग देवता, परिवार देवता तथा आवरण देवता के रूप में होती है। बिहार के इस जिले में मनी सबसे बड़ी दीपावली। दीपावली के मौके पर बिहार मुंगेर जिला अंतर्गत बरियारपुर प्रखंड के बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में दिव्य तरीके से दीपावली मनाई गई। इस मौके पर बीते दिन रविवार को भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 6 लाख दीप जलाए गए, जिसकी शुरुआत भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG विवेकानंद के द्वारा किया गया। इस क्रम में गंगा में मौजूद 150 नावों पर दीप जलाया गया। बता दें कि दीपोत्सव कार्यक्रम के प्रारंभिक वर्ष 2019 में 1 लाख, वर्ष 2020 में 2,51,000, वर्ष 2021 में 5 लाख दीप, वहीं 2022 में 6 लाख दीप जलाकर राज्य का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया गया। बिहार के सोनपुर में अयोध्या का नजारा। बिहार के सोनपुर में छोटी दीपावली के मौके पर लोगों को अयोध्या का नजारा देखने को मिला। इस दौरान नदी किनारे 1 किलोमीटर की दूरी में नदी के तटबंध पर एक साथ 1,51,000 दीयों को सजा दिया गया, जो आसपास के इलाके से चंदा करके जुटाई गई थी। साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इस दौरान वहाँ बिहार के पूर्व DGP सह कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने जमकर तारीफ की। इसके अलावा नदी के बीच राम, लक्ष्मण और सीता का रूप धारण किए हुए लोग नाव पर सवार होकर नदी में घूमते नजर आए। नगर विकास विभाग में 125 की बहाली। बिहार में विभिन्न नगर निकायों में 125 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बिहार के सभी निकायों में बेलचौन से 276 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मांग की गई थी, जिसे लेकर प्रथम चरण की नियुक्ति हुई है, जिसमें 125 युवाओं की नियुक्ति हुई है। दूसरे चरण में 600 ऑपरेटरों को नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 1 नवम्बर को पदस्थापित किए गए नगर निगम में योगदान करने का आदेश दिया गया है। तय तिथि तक योगदान
नहीं करने पर उनकी सेवा बेल्ट्रोन को वापस कर दी जाएगी। पीएमसीएच और एनएमसीएच में मिला डेंगू मच्छरों का लाड़वा। पटना में डेंगू की स्थिति का पता करने केंद्रीय टीम को पीएमसीएच और एनएमसीएच के परिसर में जमा पानी में डेंगू मच्छरों का लाड़वा मिला, जिसके बाद केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। बता दें कि रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस समय पर डेंगू के रोकथाम के लिए छिड़काव नहीं किया गया और मॉनसून के अंतिम दिनों में हुई बारिश और जल जमाव के चलते डेंगू का लाड़वा तेजी से पनप रहा है। वहीं प्रदेश में 281 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं पटना में मरीजों की संख्या 170 रही और अब पटना में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 4758 पहुंच गई है। कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश और दुनिया को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। सीमा पर दिवाली मनाना सौभाग्य की बात है। भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। सेना के जवान ही मेरा परिवार है। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न लहराया हो। इससे बेहतर दिवाली कहां नसीब होगी। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में भारतीय सेना ने आतंक के फन को कुचला था। ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। हम उस परंपरा को मनाने वाले हैं जहां युद्ध को हमने पहला विकल्प नहीं माना। यह हमारी वीरता और संस्कार का कारण है। हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। दिवाली के मौके पर पटना में हाई अलर्ट। दिवाली में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पटना के पीएमसीएच, एसजीआईएमएस, एनएमसीएच, न्यू गार्डनर रोड अस्पताल और राजवंशी नगर अस्पताल को हाई अलर्ट रखा है। बता दें कि दीपावली को आपातकालीन स्थितियों से बचने के लिए अलग से 20 बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं एसजीआईएमएस गार्डनर रोड अस्पताल में भी अलग से बेड आरक्षित हुए हैं। डॉक्टरों की रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही दवाओं की भी व्यवस्था कर ली गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी किसी तरह की परेशानी होने पर इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया जाएगा। फिलहाल दिवाली को देखते हुए केवल ओपीडी सेवा को बंद रखा गया है। इसके बाद डॉक्टर भी अपने समय से अस्पताल में तैनात हो जाएंगे। सीपीआई एमएलसी केदारनाथ पांडे का निधन। दिवाली पर बिहार विधान परिषद के सदस्य केदारनाथ पांडे का निधन हो गया है। बता दें केदारनाथ पांडे कुछ दिनों से बीमार थे और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आज यानी सोमवार की सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। केदारनाथ पांडे की मौत पर नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए कहा कि शिक्षकों के हित के लिए काम करने वाले केदारनाथ पांडे सबसे बड़ी आवाज थे। उनके निधन से राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। केदारनाथ पांडे शिक्षा विभाग के एमएलसी थे। इसके अलावा वो 4 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। बिहार में फिर बाघ से दहशत। बिहार में एक बार फिर से बाघ का दहशत फैल गया है। बता दें कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के स्थानीय लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने बाघ को देखा है, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा बीते दिन रविवार से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई। हालांकि अब तक बाघ के होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताते चले कि कुछ दिनों पहले पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में एक आदमखोर बाघ से जुड़ा मामला सामने आया था, जिसने लोगों के बीच दहशत का माहौल बना दिया था, जिसके बाद उसे मार गिराया गया था। तेजस्वी की मामी ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के साले और तेजस्वी तेज प्रताप के मामा साधु यादव ने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के मामा ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई भी लोग अहंकार और घमंड में नहीं रहे। जो लोग सरकार बनाते हैं, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, उन्हें अहंकार हो जाता है। मैं जनता के बीच रहने वाला आदमी हूँ। जो पहले थे वही आज भी हैं। उन्हें किसी बात का अहंकार या घमंड नहीं है। वे जनता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गोपालगंज मेरी जन्मस्थली है। मेरी पढ़ाई, शिक्षा सब यही हुई है। यहाँ की जनता सब कुछ जानती है। रोजगार के मसले पर एनडीए और महागठबंधन में घमासान। रोजगार को लेकर एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने हैं। नीतीश कुमार के द्वारा 20 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, जिस पर बीजेपी के द्वारा यह दावा किया गया है कि जब उनकी सरकार थी उस समय 2.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया था, जिसे तेजस्वी अपनी उपलब्धि में जोड़ रहे हैं। जिस नियुक्ति पत्र को महागठबंधन के द्वारा दिया जा रहा है, उसकी संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया एनडीए के समय ही पूरा कर लिया गया था। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद इतने पैसे नहीं कि वे रोजगार देने के बाद उन्हें तनख्वाह भी दे। एनडीए सरकार के समय उन्हें रोजगार दिए गए थे, उसे भी महागठबंधन सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। हार्दिक और कोहली की जोड़ी ने बनाया नया रिकॉर्ड। मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की। इस दौरान कोहली ने अपने T20I करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे रिकॉर्ड बना डाले जिसने इस जीत को बेहद खास बना दिया। इन्हीं रिकॉर्ड में एक हार्दिक और कोहली की जोड़ी ने बनाया। बता दें कि हार्दिक पांड्या और कोहली ने मिलकर 113 रनों की साझेदारी
बनाई जिससे उन्होंने युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के 97 रनों की साझेदारी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बताते चले कि इन दोनों के बीच यह पाकिस्तान के खिलाफ T20 आई क्रिकेट में किसी भी विकेट के सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, राकेश शर्मा, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, कुलदीप कुमार, रविशंकर, मृत्युंजय कुमार, अखिलेश यादव, अहमद रुशदी, अनवर करीम खान, विकास गुप्ता, विनोद कुमार यादव, नुनू कुमार और कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि दीपावली में होने वाले लक्ष्मी पूजा को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।